अब एक और तवाज़ुन देखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक, ये तीन मुख्तलिफ कलम मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ बात वाज़े करने के लिए। अब देखना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का ताल्लुक है इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन से। क्यों? क्योंकि पहली आयत में रब का जिक्र है और इस आयत में किसका जिक्र है? अब्द, रब और अब्द। रब बनता है कि नहीं? अगर वो रब है तो मुझे इबादत करनी है, वही तो रिश्ता है। दूसरी आयत में है अर्रहमान अर्रहीम, और आखिरी आयत से पहले किस पर रहम हुआ है? असल रहम किस पर हुआ है? अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। मालिक यौमिद्दीन तीसरी आयत है, तीसरी आयत में अल्लाह का इंसाफ, इंसाफ किसके साथ होगा? अलमग़ज़ूबी अलैहिम और अद्दालीन। ए बी सी, ऐसा सिस्टमैटिक इसका स्ट्रक्चर है सूरत का। तीन बातें और उनका फिर तीन बातों के साथ तनासु, समझ में आ रही बात? अच्छा, एक और तवाज़ुन देखें। एक तरफ मैंने लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, और मैंने अब बार बार कहा था आपसे, जब ये बात कोई समझ ले तो किस नतीजे पे पहुंचता है? क्या नतीजा होता है? इयाका नअबुदु। दूसरी तरफ सिर्फ इयाका नअबुदु तक बात नहीं ख़त्म हुई, उसके बाद हमने क्या किया? मदद मांगी, और मदद में से सबसे बड़ी मदद क्या है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। यानी पहली तीन आयात का खुलासा, उसका नतीजा इयाका नअबुदु है, और दूसरे लफ्ज़ इयाका नस्तईन की तफसीर क्या है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। ये सूरत शुरू से आखिर तक एक मुकम्मल बैलेंस है, अजीब मुकम्मल बैलेंस है। फिर दूसरी आखिरी बात इसके अंदर ये कि शुरू में लफ्ज़ था अलआलमीन, अलआलमीन, और आखिर में अलआलमीन की तफसीर भी हो गई। क्या कौन से जहान है? इस जहान में तीन तरह के लोग हैं हिदायत के एतबार से। इन जहानों में वो कौन लोग हैं? एक जहान है किनका? अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। दूसरा जहान किनका है? अलमग़दूब अलैहिम। तीसरा जहान किनका है? अब और अल्लाह तीनों का रब है। अजीब कलाम, अजीब कलाम। अच्छा, ये पहली सूरत है, और कुरान की आखिरी सूरत कौन सी है? नास। और नास में शुरू से ही बात नेगेटिव हो रही है, क्योंकि पहले अल्फाज क्या हैं? अऊज़ु, कुल अऊज़ु। और फातिहा में पहली शुरू से बात पॉजिटिव हो रही है, कैसे? अल्हम्दु। पहली सूरत की का पहला लफ्ज़ पॉजिटिव है और उसकी पहली ताबीर नेगेटिव है, ठीक है ना? तो क्योंकि वो नेगेटिव है, उसमें रहमत का लफ्ज़ नहीं आएगा। यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पर रहमत का लफ्ज़ आया। अच्छा, रहमत का लफ्ज़ यहाँ से निकालें तो अल्लाह ताला के पहला वस्फ यहाँ पर क्या? अल्हम्दुलिल्लाह रब अलआलमीन, कुल अऊज़ु बी रब्बिन्नास। यहाँ पर रहमत निकाल के क्या है? मालिक यौमिद्दीन। वहाँ पर क्या है? इलाहन्ना, मलिकन्नास, मलिकन्नास। यहाँ पर है इयाका नअबुदु, इबादत। इबादत किसकी की जाती है? इलाहन्नास। यहाँ पर दो मनफी असरात का जिक्र है, दो मनफी असरात। कौन से दो मनफी? अलमग़दूब अलैहिम और अद्दालीन। और ये मनफी असरात हैं माशती लेवल पर, राइट? लेकिन नास में मनफी असरात इनफरादी लेवल पर बात हो रही है। क्यों? अऊज़ु, मैं पनाह मांगता हूँ। नऊज़ु नहीं कहते, यहाँ कहा है ना नस्तईन नअबुदु, वहाँ नऊज़ु नहीं कहा, वहाँ क्या कहा है? अऊज़ु। वहाँ इनफरादी बात हो रही है। सोसाइटी के तौर पे आप पर दो इन्फ्लुएंसेस आएंगे, अलमग़दूब अलैहिम और अद्दालीन। इनफरादी तौर पर आप पर दो और नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस आएंगे, वो क्या हैं? من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان الله. तो फातिहा और नास का भी आपस में एक ताल्लुक है, यानी जब आप नास ख़त्म करते हो तो कहाँ शुरू करते हो? दोबारा फातिहा। यू फिनिश द नेगेटिव, नाउ यू बैक टू द पॉजिटिव। इवन द कुरान इज़ बैलेंस्ड, शुरू से आखिर तक एक बैलेंस चला आ रहा है। अजीब।